नमस्कार दोस्तों, मैं रजन तिवारी आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल ज्योतिष मंत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मौनी अमावस्या पर बनने वाले महासंयोग की। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि मौनी अमावस्या पर व्रत, दान, स्नान का क्या महत्व है, और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि मौनी अमावस्या पर स्नान का शुभ मुहूर्त क्या है। इन सभी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आने वाली 4 फरवरी को अमावस्या है, और ये अमावस्या को हम, यानी ये माघ मास में जो अमावस्या आती है, इसको हम बोलते हैं मौनी अमावस्या। अगर शास्त्रों की माने तो वर्ष में जितनी भी अमावस्या आती है उसमें मौनी अमावस्या सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। लेकिन इस वर्ष इसकी श्रेष्ठता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि इस दिन 5 ऐसे योग बन रहे हैं जिसके कारण इसकी श्रेष्ठता और भी बढ़ जाती है। वो 5 संयोग क्या है, चलिए इसको जान लेते हैं। पहले पहला तो ये कि ये जो मौनी अमावस्या है वो सोमवार के दिन आ रही है, और इस वजह से इसका दूसरा नाम सोमवती अमावस्या भी है। जब भी कोई अमावस्या सोमवार दिन आती है तो उसको सोमवती अमावस्या कहते हैं, और उसका महत्व वैसे ही अपने आप में बढ़ जाता है। दूसरा संयोग ये कि इस दिन पूरे दिन श्रवण नक्षत्र रहेगा। जो नक्षत्रों में श्रेष्ठ नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र, वो नक्षत्र इस दिन रहेगा। तीसरी बात ये कि व्यतिपात योग भी इस दिन बन रहा है, साथ ही सर्वार्ध सिद्ध योग भी इस दिन बन रहा है, और इस वजह से महोदय योग का भी निर्माण हो रहा है। तो इस तरह से 5 योग के कारण ये दिन, यानी मौनी अमावस्या, श्रेष्ठ मानी गई है। तो ये जो योग है, ये जो संयोग है, ये अद्भुत संयोग जो है, वो पूरे 70 वर्ष बाद आ रहा है। यानी 70 वर्ष पहले ऐसा संयोग बना था जो अब बन रहा है। तो इस दिन अगर आप माँ गंगा में स्नान करेंगे तो इसकी बात ही कुछ और है। अब हम ये जानते हैं व्रत और स्नान का महत्व, या व्रत और स्नान की विधि क्या है। तो व्रत और उपवास के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है तन और मन की शुद्धता, तन और मन की निर्मलता। तो तन की शुद्धता के लिए ही हम पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है, और इस दिन, यानी मौनी अमावस्या के दिन, अगर पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, खासकर गंगा नदी में, क्योंकि ऐसा माना गया है शास्त्रों में कि मौनी अमावस्या के दिन गंगा माँ का जो जल है वो अमृत के समान हो जाता है, इसलिए इस दिन गंगा में स्नान करने का बहुत ही महत्व है। साथ ही अगर आपको मन की शुद्धता चाहिए तो उसके लिए रखा जाता है व्रत और उपवास। व्रत किस बात का, मौन व्रत, इस क्योंकि हम मौनी अमावस्या की बात कर रहे हैं इसलिए इस दिन मौन व्रत रहने का बहुत महत्व है। और इस दौरान जब आप मौन व्रत में रह रहे हैं उस समय आप मन ही मन प्रभु का ध्यान कीजिए। तिल के लड्डू, तिल का तेल, वस्त्र आदि सभी चीज़ों का आप दान कीजिए। तो चलिए हम ये जानते हैं कि इस वर्ष मौनी अमावस्या को जो स्नान करना है उसका शुभ मुहूर्त क्या है। क्योंकि इसके पहले हम ये जानते हैं कि मौनी अमावस्या का समय क्या है, मतलब अमावस्या कब से कब तक रहेगी। तो इस वर्ष मौनी अमावस्या 3 फरवरी की रात को 11:55 से शुरू होगी, जो कि 4 तारीख को रात्रि 2:35 तक चलेगी। यानी पूरा का पूरा समय आपके पास, एक दिन से भी ज़्यादा समय है जब आप माँ गंगा में स्नान कर सकते हैं। इस समय में, यानी कि 3 तारीख की रात 11:55 से लेकर आप 4 तारीख की रात 2:35 के बीच कभी भी आप स्नान कर सकते हैं, इसमें आपको मौनी अमावस्या का जो फल है वो मिलेगा। और अगर आप सूर्योदय के समय स्नान करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, उस समय आप सूर्यदेव को अर्घ दे सकते हैं, क्योंकि इस दिन अगर आप सूर्यदेव को अर्घ देते हैं तो आपकी निर्धनता, आपकी दरिद्रता दूर होती है। इस दिन तुलसी के 108 परिक्रमा लगाने का बहुत महत्व है, और साथ ही इस दिन आप अपने जो पूर्वज है उनका तर्पण भी कर सकते हैं, जिनसे उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। चलिए हम ये जानते हैं कि इस दिन किस चीज़ का दान किया जाए और इसके दान करने से किस फल की प्राप्ति होती है, या कौन से फल की प्राप्ति के लिए हमें कौन सा दान करना चाहिए। तो चलिए हम जानते हैं। पहला, अगर आप मुक्ति और मोक्ष चाहते हैं, जो कि हर इंसान चाहता है, तो मुक्ति और मोक्ष के लिए आपको गाय का दान करना चाहिए। अगर आप आर्थिक रूप से परेशान हैं या आप आर्थिक समृद्धि चाहते हैं, मतलब और अपना धन बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको भूमि का दान करना चाहिए। तीसरा, ग्रह नक्षत्र की बाधा से मुक्ति के लिए, अगर आप किसी प्रकार से कोई ग्रह, कोई नक्षत्र आपको परेशान कर रहा है, तो उसकी मुक्ति के लिए आपको काले तिल का दान करना चाहिए। चौथा, रोग तथा कर्ज से छुटकारा पाने के लिए,
भगवान न करे आपको किसी प्रकार का रोग है या आपके ऊपर कर्ज है और आप इससे मुक्ति चाहते हैं, तो इसके लिए आपको सोने का दान करना चाहिए। मान लीजिए आपके परिवार में कलह होती है, बात पे लोग लड़ते झगड़ते हैं और आप चाहते हैं कि आपका परिवार सुख शांति से रहे, तो इसके लिए आपको करना क्या है, एक पात्र यानी एक बर्तन में गाय का घी भरकर उसको दान कर देना चाहिए। छठा, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई बुरी नज़र है, कोई तंत्र क्रिया हो रही है या हो गई है और आप इससे मुक्ति चाहते हैं, तो इसके लिए आप नमक का दान कर सकते हैं। अगर आप अपने वंश की वृद्धि चाहते हैं तथा साथ ही अपनी संतान की उन्नति की कामना भी करते हैं, तो आपको चांदी का दान अवश्य करना चाहिए। तो इस तरह से आप इन चीज़ों का दान करके आप मनचाही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।